हेलो गाइस, 26 फरवरी और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस। चलिए मार्केट का देखते हैं क्या हालचाल है, हाउ डू यू सी मार्केट और क्या कर सकते हैं मार्केट में अभी। सो 19 फरवरी को जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था लास्ट वीकेंड में, उसका रेटिंग, हम ये एक सेंटिमेंट रेटिंग बनाते हैं जिसमें एवरी वीकेंड हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल रुख किधर की तरफ है। तो 5 फरवरी को 13 था 20 में से, इसका मतलब रुख खराब था। 12 फरवरी को ये 13 का 14 हुआ, इसका मतलब थोड़ा बेटर हुआ, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेटर हो गया, थोड़ा सा रुख बेटर हुआ। 19 फरवरी को और रुख थोड़ा बेटर हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट जो है वो वहीं खड़ा रहेगा या थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन लास्ट वीक में क्या हुआ वो देखते हैं। सो लेट्स गो टू लास्ट वीक एनालिसिस, ऑफ कीजिएगा, या लेट्स गो टू द लास्ट वीक एनालिसिस। सो निफ्टी अगर मैं चार्ट में देखूं तो ये पूरे लास्ट वीक का निफ्टी का मूवमेंट है, एंड मार्केट हैज रियली रियली गॉट डाउन, मतलब काफी खराब मार्केट की अवस्था है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी काफी वीक था, पूरे निफ्टी का रैली को डिस्कार्ड कर दिया बैंक निफ्टी में, एंड मोस्ट ऑफ द सेलिंग इन बैंक निफ्टी वॉज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन निफ्टी। और उसके अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी सेलिंग आई है, बट ये उतने ज्यादा नहीं गिरे जितने रिलेटिवली जो बड़े स्टॉक्स है, निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स है वो ज्यादा गिरे। सो मोर और लेस मार्केट के अंदर में नेगेटिव अंडरटोन जो है वो अब वेल डिफाइंड हो गया है। तो आज का एनालिसिस करते हैं। 19 फरवरी का एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया अपना, अपने को लग रहा था मार्केट शायद वहीं पर ही रहेगा या इफ नॉट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑल्दो बहुत ज्यादा घनघोर तेजी नहीं लग रही थी बिकॉज हल्का हल्का सा ही इम्प्रूवमेंट था मार्केट में, लेकिन मार्केट हैड डिफरेंट प्लान्स। और रीजन भी देखेंगे कि क्यों मार्केट ऐसा किया है और अब हमको मार्केट में क्या करना चाहिए, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट्स फर्स्ट। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। सो रियल में मार्केट का जो फॉल का रीजन था वो था डॉलर इंडेक्स। अगर आप देखो नीचे, डॉलर इंडेक्स 105 के करीब आ गया है, जो नीचे में 101 के करीब गया था, इट हैज कम बैक टू 105। दैट मीन्स डॉलर इंडेक्स का ये जो क्रिटिकल लेवल है इसके ऊपर में चल रहा इज एक्चुअली क्वाइट नेगेटिव फॉर द इमर्जिंग मार्केट। सो ये एक सरप्राइजिंग मूव हुआ। एक्चुअली यूएस के अंदर में जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है, रिसेशन का कंसर्न है, ये धीरे धीरे और नेगेटिव होता जा रहा है, जिसके कारण अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होगा, तो यूएस का 10 ईयर यील्ड कर्व जो कि यूएस में 10 साल की बोरिंग को इंडिकेट करता है, तो वो ऑलमोस्ट 4% चला गया, विच इज अ वेरी वेरी बैड न्यूज। अगर यूएस इतना ज्यादा हाई इन्फ्लेशन होगा, हाई इंटरेस्ट रेट होगा, तो इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्कियर एसेट्स में लोग पैसा क्यों डालेंगे। तो ये वापस से आप देखिए 2 साल का यील्ड देखिए वो कितना ऊपर चला गया, तो 2 साल का ब्याज है 4.8%। तो क्यों लोग कोई इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे या इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जब यूएस के अंदर में ही डॉलर टर्म्स में उनको इतना रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया कि वापस से यील्ड कब ऊपर चले गए और डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया। यूएस इक्विटी मार्केट की बात करें तो वो जैसे डॉलर ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे जाता है, तो एक टॉप बना के यूएस इक्विटी मार्केट दाउ पर्टिकुलरली नीचे चला गया, और नेस्डैक जो है ये बहुत कोशिश किया था नेस्डैक की ब्रेकआउट करके एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करे, लेकिन वापस से क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर बढ़ते हैं तो फ्री पैसे अवेलेबिलिटी कम हो जाते हैं, तो ये जितने भी न्यू जेन स्टॉक्स है, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, फैंग स्टॉक्स है, इनके अंदर में एक सेलिंग आ जाती है बिकॉज उनका ग्रोथ इज टू मच फ्यूचर ओरिएंटेड, और फ्यूचर अगर पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो इनके ऊपर में नेगेटिव आता। ओवरऑल मार्केट्स के अंदर में, ग्लोबल मार्केट्स में अब एक नेगेटिव टेरिटरी में वापस मार्केट आ गया। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इज अगेन इन नेगेटिव, एंड निफ्टी वर्सेस द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा रिकवर करेगा, मोटा मोटी थोड़ा रिकवर किया है बट काइंड ऑफ थोड़ा एम्बिगुअस स्टेज पे है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन फ्रॉम अ इंडियन मार्केट परस्पेक्टिव इज नॉट दैट ग्रेट, तो इसको हम रेटिंग कर देते हैं 2। ठीक है, निफ्टी का प्राइस एक्शन देखते हैं। ये निफ्टी जो है वो ये जो लेवल है 17,800 इसके नीचे चल रहा है, और ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी चलने लग गया, विच इज 17,600 के नीचे चलने लग गया। सो दिस इज अ वेरी नेगेटिव न्यूज। और ये वाला जो जोन है 17,400 के करीब, जहां पर मार्केट लास्ट टाइम लो आके वहां से रिकवर किया था, दिस जोन 17,423 के करीब, अगर आप देखो इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पे ये जो हाई था और ये जो लो था, ये जो लेवल है ये भी लो है इसका, इस कैंडल का भी, विच इज 17,420। तो
थिंक ये मूविंग एवरेज 17,600 और 17,420, सो 17,600 और 17,420 ओवरऑल मार्केट के अंदर में एक नेगेटिव, जब मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चलता है तो मार्केट के अंदर में एक नेगेटिव स्टांस ही होती है। और अगर आप निफ्टी का ये आवली चार्ट देखो तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर खड़ा है। तो या तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि डॉलर फॉल हो जाए, कोई ऐसा डेटा रिलीज आ जाए जिससे यूएस इकोनॉमी के बारे में और बेटर फीलिंग आ जाए, तो उससे डॉलर अगर वीक हो गया तो फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से यहाँ का सपोर्ट लेके टर्न कर ले। बट दिस इज वेरी क्रिटिकल। बैंक निफ्टी भी देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर एक छोटे से सपोर्ट जोन में है, और निफ्टी भी यहाँ पर यू नो दिस वाज द लो, आवरली लो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या करता है मार्केट। बट मेरा थ्योरी एक बहुत सिंपल है कि अगर मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो मुझे किसी भी नए स्टॉक में पैसा नहीं डालना है, और मुझे सिर्फ एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है उन स्टॉक्स में जो वीक होते जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर कट मॉडल। लास्ट वीक मैंने स्टॉक सोशल के अंदर में एक पर चर्चा की थी अपने क्लब मेंबर लोग के लिए कि मार्केट के अंदर में एग्जिट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एंट्री। तो मैंने एक्चुअल में उनको कहा भी था कि आप एग्जिट स्ट्रेटेजी पे भी ध्यान दीजिए। देखिए मैंने वेडनेसडे को कहा था आई एम एग्जिटिंग माय वीक स्टॉक्स टुडे, जहां जहां मेरे को आरएस नेगेटिव लग रहा है, आरएसआई नेगेटिव लग रहा है, मैं उनको एग्जिट करता जा रहा हूँ। तो यस, जब आप एग्जिट करते हैं तो पेन तो होता ही है, थोड़ा लॉस बुक होता है, थोड़ा आपको अगर प्रॉफिटेबल होता है तो प्रॉफिट चला जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल मार्केट एंड वी कांट हेल्प एनीथिंग। तो प्राइस एक्शन वाइज आई वुड से मार्केट इज अराउंड 2-2.5, अगर सपोर्ट ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट इज नॉट इन अ गुड मूड। मार्केट ब्रेथ अगर स्टडी करें अपने, मार्केट ब्रेथ मीटर अगर स्टडी करें तो दिस इज द मार्केट ब्रेथ मीटर, तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में तो आ गया है। यहाँ से एक हल्का सा रिकवरी मार्केट के अंदर में आ सकती है बिकॉज इट इज ओवरसोल्ड। ये जितना लाल होगा उतना ये ओवरसोल्ड होता है, जितना लाल होगा उतना मार्केट रिकवर करने की स्कोप बन जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए निफ्टी 500 में ओवरसोल्ड में आ गया मार्केट। सो मार्केट ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कि मैं कॉन्ट्रेरियन अप्ले करना चाहूंगा, सो आई वुड से 4 इज माई मार्केट ब्रेथ। और डेरिवेटिव का पोजिशन अगर मार्केट में एनालाइज करें सो लेट्स गो टू डेरिवेटिव पोजिशन। सो एफआईज और डोमेस्टिक डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, तो फ्यूचर वाइज पार्टिसिपेंट्स वाइज देखें तो एफआईज ने काफी शॉर्ट बिल्डअप कर रखी है एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद दैट शॉर्ट ऑफ 1 लाख ऑन प्राइस। दिस इज अ वेरी नेगेटिव न्यूज। और ओवरऑल एफआईज हैव बीन सेलिंग इन द मार्केट, बहुत अग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर रहा बट ओवरऑल एफआईज हैव बीन सेलिंग इन द मार्केट। सो ओवरऑल नेगेटिविटी वहां पर भी दिख रही है फ्रॉम अ पोजिशन स्टैंडपॉइंट। सो डेरिवेटिव एनालिटिक्स आई वुड से मार्केट का व्यू है 3। सो बेसिकली मार्केट हैज गॉन इनटू अ नेगेटिव जोन एंड दीज आर द क्रिटिकल लेवल्स जिस पे हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मार्केट रिकवर करता है तो व्हाट कुड बी द लेवल जिसके ऊपर में हमको मार्केट में तेजी खेलनी है, उसके पहले नहीं खेलनी। जो शॉर्ट टर्म तेजी खेलना चाहते हैं, देखिए ये जो लेवल्स है ये सब ये बजट और उसके बाद के इम्पैक्ट्स है, ठीक है। तो ये जो लेवल है 18,150, आई थिंक इसके ऊपर मार्केट जाए तभी तेजी खेलना चाहिए, नहीं तो इट्स बेटर टू बी कंजर्वेटिव इन द मार्केट राइट नाउ एंड नॉट बिल्ड एग्रेसिव पोजीशंस। अगर मुझे फिर भी स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन करना है जिनमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं तो चार्ट पैटर्न्स जो स्टॉकेज के हैं मैं उसको रिकमेंड करूंगा। उसमें से आपको कई स्टॉक मिल जाएंगे जिनमें पैटर्न आ रहा होगा। लास्ट टाइम भी इसमें कुछ स्टॉक्स आए थे, ऑल्दो उन स्टॉक्स के अंदर में अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। कुछ स्टॉक्स अभी भी चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में ट्रेंड चेंज हो गया, विल सी ऑल द स्टॉक्स। लास्ट टाइम रिमेम्बर केपीआर मिल आया था जो लास्ट वीकेंड में अपने डिस्कस भी किया था, तो इसके अंदर में अभी भी ब्रेकआउट पे ये खड़ा है तो, और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही है, मार्केट गिरने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हमको ट्रैक करना है। ओरेकल फाइनेंस हमने देखा था उसका लेट्स डू अ स्टडी, तो ये ब्रेकआउट देके ये वही खड़ा है, ये अभी भी पैटर्न अप्रूव्ड है। जब तक ये इसके लो नहीं तोड़ेगा, बस बेसिकली ये जो स्विंग है इसका लो नहीं तोड़ेगा तब तक ये अप्रूव्ड है, तो ओरेकल फाइनेंस को अभी भी देखा जाता है। लेट्स सी सम न्यू स्टॉक्स। एस्टर हेल्थ केयर, एस्टर हेल्थ केयर देखिए ये एक पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है तो इसको देखा जा सकता है। लेट्स सी आरएस क्या बोलता है इसका।
सो दिस इज आरएस 0 के ऊपर और आरएसआई भी 50 के ऊपर. सो एस्टर हेल्थ केयर इज वन स्टॉक जिसको आप देख सकते हैं. सो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में. सो जस्ट लेट मी ऐड इन द वॉच लिस्ट. तो एक यार वॉच लिस्ट है चार्ट पैटर्न का, उसमें इसको ऐड कर लेते हैं. उसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट आई थिंक नीचे के लेवल पे इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो ये शॉर्ट कैंडिडेट है, तो इसको बेचा जा सकता है अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं तो. उसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी बेचने वाला कैंडिडेट है, तो इसको हम ध्यान नहीं रख सकते भी लेने के लिए. त्रिवेणी टर्बाइन, त्रिवेणी टर्बाइन का अगर चार्ट देखें तो ये भी लेने लायक चार्ट पैटर्न है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने चार्ट पैटर्न को वॉच लिस्ट में. तो मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है कि मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ, उनका बेसिक चार्ट स्टडी कर लेता हूँ, और फिर मेरे को जब अपॉर्चुनिटी उनमें दिखती है, जब मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि मार्केट को भी रिवर्स करना बहुत जरूरी है, अगर मार्केट रिवर्स नहीं करेगा तो पैसे डाले हुए वेस्ट हो जाएंगे. सो दिस इज ओरेकल, दिस इज बॉश. बॉश भी एक अच्छा मूव दिया था, बट फ्राइडे को इसके अंदर में एक अच्छा खासा फॉल आ गया, बट द पैटर्न इज स्टिल वैलिड, तो हम बॉश को भी अपने रडार पे रखेंगे. शी सीमेंट, इफ यू रिमेम्बर शी सीमेंट पे अपने बात किए थे, ये पैटर्न इज स्टिल वैलिड, और इसका अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें ना, तो ये अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसको भी हम अपना रडार पे कंटिन्यू करेंगे. तो ओवरऑल देखें इसके अंदर में, मैं वॉचलिस्ट में जाके चार्ट पैटर्न देखता हूँ. चार्ट पैटर्न वॉचलिस्ट के अंदर में अभी 6 स्टॉक है अपने पास में, और ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्लैटिश है, मार्केट काफी वीक है, लेकिन फिर भी ये मोटा मोटी थोड़ा लाल थोड़ा ग्रीन ऐसे करके है. तो वी विल ट्रैक दीज स्टॉक्स, इनका क्या परफॉर्मेंस है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू मेक अ जजमेंट दैट वेदर चार्ट पैटर्न इज अ गुड सेटअप फॉर अस और नॉट. उसके अलावा आई वुड सजेस्ट, अगर आप वीकली चार्ट देख के कुछ काम करना चाहते हैं, तो कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर में फीपा, जो कि बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स को दे बेस करके स्टॉक्स निकालता है, जिस स्टॉक के अंदर में क्वार्टरली रिजल्ट्स परफॉर्मेंस अच्छे हैं, चाहे वो नेट प्रॉफिट है बेटा है, उन स्टॉक्स का लिस्ट वो निकालता है, और ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, तो ये लिस्ट को आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए. एंड जो वीकली सेटअप है, वीकली चार्ट, जिस वीकली यहाँ और डेली, इस सेटअप को देख के उन स्टॉक्स के अंदर में अपॉर्चुनिटीज निकाल के रखिए. जैसे फ्राइडे को मार्केट गिरा और ये सारे स्टॉक्स ने वीकली सेटअप में स्ट्रेंथ दिखाया है, तो ये मेरे लिए स्टॉक्स टू वॉच है. और जब भी मार्केट के अंदर में एक रिकवरी आएगी, 200 डे के ऊपर मार्केट बंद होगा, तो ये सारे स्टॉक्स के अंदर में अच्छा खासा रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये वीकली बेसिस पे स्ट्रांग है और डेली बेसिस पर भी इनके अंदर में स्ट्रेंथ दिख रही है. ओके, जिनमें डेली बेसिस पे स्ट्रेंथ नहीं है उनको नहीं देखना है, जिनमें वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ है और डेली में भी स्ट्रेंथ है उनको तो डेफिनेटली देखना है, बिकॉज वही स्टॉक है जो तेजी मार्केट के अंदर में, रिकवरी मार्केट के अंदर में अच्छा परफॉर्म करेगा. जैसे एजिस लॉजिस्टिक है, अब देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से परफेक्ट स्टॉक, इसके अंदर में अभी भी कोई वीकनेस नहीं, इसका स्टॉप लॉस पे इस स्टॉक के अंदर में काम किया जा सकता है. जैसे मैं देखूं केपीटेक, केपीआईटी टेक, तो वीकली बेसिस पे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और डेली बेसिस पे भी इसका स्ट्रेंथ है. तो स्टॉक्स के लिस्ट बना के रखिए, जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे तभी इन स्टॉक्स के अंदर में एंट्री करना है, नहीं तो अभी जब तक वो जोन है मार्केट का 14,200 से 14,550, 14,600, ये जोन में जब तक मार्केट है तब तक अभी कुछ भी मार्केट में बोल्ड स्टेप नहीं करना चाहिए. अगर आपका म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है या स्टॉक बड़े स्टॉक्स में एसआईपी चल रहा है, वो चले दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट. बट अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो माई सजेशन इज की डू नॉट पुट अ सिंगल मनी इन द मार्केट राइट नाउ. थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट वीक.